किसी महान इंसान ने कहा है कि जिंदगी में कुछ भी बनिए लेकिन मूर्ख ना बनिए, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ भी बनिए लेकिन न्यूजीलैंड के एक्स क्रिकेटर या फिर कहें करंट कमेंटेटर साइमन डल मत बनिए। क्योंकि हाल ही में साइमन डल ने विराट कोहली के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी करी है जिसे सुनने के बाद मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं साइमन डल पे गुस्सा करूं, उन पे तरस खाऊं या फिर उन पे हंसूं। अब आप सभी को हाल ही में हुए आरसीबी और लखनऊ का मैच तो याद ही होगा, जहां पे आखिरी बॉल पे लखनऊ ने आरसीबी से मैच छीन लिया था। लेकिन जिस घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं वो घटा था आरसीबी की बैटिंग में, जब आरसीबी की बैटिंग के दौरान विराट कोहली और फैफ टू प्लेसेस खेल रहे होते हैं और एक वक्त पे विराट कोहली अपने 85 से मात्र 8 रन दूर होते हैं तो वहां से वो अपनी 50 को कंप्लीट करने के लिए 10 बॉल ले लेते हैं। और जैसी विराट कोहली अपनी 50 को कंप्लीट करते हैं तो साइमन डल जो कि कमेंट्री कर रहे होते हैं वो एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि विराट कोहली की इनिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो ये 50 मारी है या फिर जिस तरीके से ये खेल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं, यानी कि अपने निजी फायदे के लिए खेल रहे हैं ना कि टीम के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जब साइमन डल ने उंगली करी है तो उनको जवाब भी मिलना ही था। और जैसी साइमन डल का ये स्टेटमेंट पूरे ही इंडिया में वायरल होने लगा तो जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस थे वो साइमन डल के ऊपर टूट पड़े। लोगों ने साइमन डल को ये कहना शुरू कर दिया कि अरे सोच तो लो किसके बारे में बोल रहे हो भाई, वो विराट कोहली है, वो किंग ऑफ क्रिकेट है और तुम कह रहे हो कि वो खेलता है पर्सनल माइलस्टोन के लिए। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुमको क्रिकेट का कोई ज्ञान ही नहीं है या फिर शायद तुमने आज तक विराट कोहली को कभी खेलते ही नहीं देखा है। और देखो जहां तक बात रही उस पारी की तो यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि उस पारी में जो आरसीबी का पावर प्ले था उसमें जो 80% रन मारे थे वो विराट कोहली ने मारे थे और वो रन विराट कोहली ने 165 की स्ट्राइक रेट से मारे थे। इवन अगर आप विराट कोहली की ओवरऑल पारी को उठा के भी देखें तो विराट कोहली ने उस मैच में 44 बॉल पे 61 रन जड़े थे जहां पे उनकी स्ट्राइक रेट थी 139 की। अब अगर 139 की स्ट्राइक रेट को पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना कहते हैं तो भाई फिर मैं क्या ही बोलूं। और जो ये साइमन डल बीच मैच की कोई भी 10 बॉल उठा के कमेंट कर रहे हैं, देखो कई बार मैच में जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई प्लेयर अगर शुरुआत 200 की स्ट्राइक रेट से कर रहा है तो उसे पूरा मैच ही 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, हर बार सोच समझ के सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। और जहां तक बात रही आरसीबी टीम की तो अगर आप आरसीबी के दूसरे ही मैच को उठा के देख लें तो उस मैच में विराट कोहली जल्दबाजी के चक्कर में ही आउट हो गए थे और उसके बाद क्या हुआ था, पूरी की पूरी आरसीबी टीम एक के बाद एक ढह गई थी। तो यहां पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि जब तक पावर प्ले चल रहा था विराट कोहली एकदम टॉप गियर में खेल रहे थे और जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो विराट कोहली थोड़ा सा सेटल होने लगे, पारी को बिल्ड करने लगे और बीच बीच में चौके भी लगाने लगे। लेकिन खैर साइमन डल से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और देखो फिर से अगर बात करें साइमन डल के स्टेटमेंट की कि विराट कोहली अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं साइमन डल को ऐसे ऐसे जवाब देने वाला हूं कि उनकी औकात नहीं होगी कि आने वाले समय में वो ऐसे भद्दे कमेंट कर भी पाएं। पर वो देखने से पहले जैसा कि तुम जानते हो कि आज के दिन होना है बहुत ही खतरनाक मैच, एक तरफ जहां होंगे संजू भैया तो दूसरी तरफ होंगे धोनी भैया, मतलब मैच तो टक्कर का होने ही वाला है लेकिन सेम टाइम पे दोनों की ही जो फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत खतरनाक है। भले धोनी की अलग ही लेवल की खतरनाक है लेकिन संजू की भी कोई कम नहीं है, यानी कि कुल मिला के ये कहना सही होगा कि आज के मैच में एक नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। और जब बात आती है मजे की तो मजा तो असल तब आएगा जब सिर्फ ट्रेको पे यस या नो करके, जी हां सिर्फ यस या नो करके तुम पैसे छाप रहे होगे। और आज ट्रेको पे क्वेश्चन भी क्या है, क्या सीएसके राजस्थान से जीतेगी, दूसरा क्वेश्चन क्या ऋतुराज गायकवाड 30 प्लस का स्कोर करेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या जॉस बटलर 30 या 30 से ज्यादा रन मारेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में तो मुझको शक है कि क्या सीएसके जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी क्योंकि राजस्थान की टीम स्ट्रांग तो बहुत है, ऑन पेपर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन मैच होना है चेपॉक में तो यहां पे फिर भी मुझको शक है। लेकिन बाकी दो जो क्वेश्चन है, ऋतुराज गायकवाड 30 प्लस मारेंगे या नहीं मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, जॉस बटलर तो 30 प्लस मारते ही मारते हैं, इसलिए नीचे के जो दो क्वेश्चन है वहां पे मैंने बिना सोचे यस कर दिया है, 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए हैं, कुछ भी नहीं करना, रेट और क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, इन्वेस्ट करना है, यस या नो सिलेक्ट करना है और उसके बाद जैसी यहां पे तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होगी पैसा ही पैसा बाबू भैया। उसके अलावा जैसा कि तुमको पता ही है भाई, पहले ही रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल जाता है और सेम टाइम पे जैसी तुम डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक से यहां पे जाते हो और मेरे
मेरा प्रोमो कोड Joshi25 यूज करते हो तो 25 रुपए का बोनस मिल जाता है, जैसे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा भाई, सिर्फ यस या नो करना है, इतना आसान तरीका पैसा कमाने का कहीं भी नहीं होने वाला है। उसके अलावा ट्रेगो पे लीडरबोर्ड भी चलता है, टॉप 3 लोगों को भैया थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है, उसके नीचे की रैंक वालों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिलते हैं, चाहे तो टॉप 10 लिस्ट तुम देख सकते हो, तुम्हारे ऐप पे भी तुमको देखने को मिल जाएगा, और इन टॉप 10 लोगों का तुम्हें रेफरल कोड भी दिख रहा है, चाहे तो भैया उसका भी यूज कर सकते हो। तो बस भाई इतना कुछ मिल रहा है, क्या चाहिए तुमको, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला है। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे मैच के दौरान मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, ये क्वेश्चन आ गए, जाओ जल्दी यस या नो करो, सब कुछ मैं तुमको अपडेटेड रखता हूं। क्योंकि भाई अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको बना के देना भैया हमारा ही तो फर्ज है ना। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन प्रिंट करने में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे, जहां मैं बात कर रहा था कि कई बार मैच की जो सिचुएशन होती है वो आपको अलग अलग गियर में खेलने पे मजबूर करती है। और इसका अगर आपको सबसे ताजा एग्जांपल भी देखना है ना, तो आप कल का मैच उठा के देख लीजिए। कल का मैच जो MI वर्सेस दिल्ली का हुआ था, वहां पे जो रोहित शर्मा ने भी पारी की शुरुआत करी थी वो तो 250 की स्ट्राइक रेट से भी ऊपर खेल रहे थे। इवन उनके जो पहले 40 रन आए थे उसमें जो उनकी स्ट्राइक रेट थी वो 220 की थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने अपने जो आखिरी के 18 रन मारे थे उसके लिए उन्होंने 22 बॉल ले ली थी। तो क्या रोहित शर्मा उस वक्त पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे रोहित शर्मा ने तो अपना 50 भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था, उन्होंने तो अपनी पारी को धीमी उसके बाद किया था। तो आखिर 50 को पूरी करने के बाद रोहित शर्मा किस माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे? और जहां तक बात रही विराट कोहली की, तो भाई कम से कम बोलने से पहले सोचा तो करो, उस इंसान की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 75 सेंचुरी है, 75 सेंचुरी। और जहां तक बात आती है हाफ सेंचुरीज की, तो उस इंसान की सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर है 130 हाफ सेंचुरीज। इतनी हाफ सेंचुरी और सेंचुरीज उसके पास हैं जितनी पूरी न्यूजीलैंड क्रिकेट के पास ना हो। मतलब सोच के देखो यार, उस इंसान के पास एक हाफ सेंचुरी आ भी गई वो भी IPL में, उससे उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। और ये तो बेचारा सिर्फ कल की पारी की बात कर रहा है। अगर आप विराट कोहली के पूरे करियर को भी उठा के देखेंगे तो विराट कोहली की T20 की जो करियर स्ट्राइक रेट भी है वो है 139 की। मतलब कोई इंसान जो सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता हो, क्या उसकी स्ट्राइक रेट 140 के आसपास हो सकती है? अरे आप पाकिस्तान के बाबर आजम की स्ट्राइक रेट उठा के देखिए 127 की है, आप न्यूजीलैंड के ही केन विलियमसन की स्ट्राइक रेट उठा के देखिए 122 की है, लेकिन वो इनको दिखेगा नहीं। और देखो मैं केन विलियमसन की स्ट्राइक रेट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि केन विलियमसन के खेलने का जो तरीका है वो उनका एक अपना तरीका है, वो उसी तरीके से खेलते हैं, वो पारी बनाते हैं, वो टाइम लेते हैं, वो बेस देते हैं, साथ में लोगों को चलाते हैं, वो उनका तरीका है। तो उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो मैच के अनुसार उनको सूट करती है, लेकिन साइमन डल को ये बात समझ में नहीं आएगी। और जहां तक बात रही बाबर आजम की, तो भाई उनके बारे में तो उनके ही देश के लोग ये कहते हैं कि ये बस अपने मतलब के लिए खेलते हैं, अपने माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। तो उनके बारे में अगर आपने कुछ कहा भी है तो मैं उससे एग्री कर सकता हूं, लेकिन फिर भी साइमन डल तुम एक और बात सुनो। अरे हाल ही में 6 महीने पहले जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, तुम भूल गए क्या? वहां पे विराट कोहली 49 पे आखिरी ओवर में खेल रहे थे, लेकिन जैसी दिनेश कार्तिक उनके पास आते हैं और उनको ये कह रहे होते हैं कि क्या मैं स्ट्राइक चेंज करके आपको बैटिंग का मौका दूं ताकि आप अपनी 50 पूरी कर लो, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसी दिनेश कार्तिक उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसी वक्त पे विराट कोहली बिना एक पल बर्बाद किए सीधे कहते हैं कि इस बारे में तो बात ही मत करो, जाओ और बैटिंग करो, 50 मैटर नहीं करती, रन मैटर करते हैं, वो जरूरी हैं। और ऐसा कोई एक किस्सा नहीं है, अगर आपको 2017 का वो किस्सा याद होगा जब ईडन गार्डन के मैदान पे इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा होता है और विराट कोहली 97 पे नॉट आउट खेल रहे होते हैं, जबकि वो खुद कप्तान भी होते हैं, उसके बावजूद भी वो रवि शास्त्री को ये इशारा करते हैं कि अगर आप कहो तो हम अभी के अभी इनिंग को डिक्लेयर कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द श्रीलंका को बैटिंग दी जा सके और उनके विकेट चटकाए जा सके। वो तो रवि शास्त्री ने उनको फोर्स किया था कि नहीं भाई सेंचुरी पूरी कर लो। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो सेंचुरी उन्होंने पूरी करी थी वो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की 50th सेंचुरी थी, लेकिन वहां पे भी विराट कोहली एक कप्तान होते हुए भी अपनी सेंचुरी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। बाकी लगे हाथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो साइमन डल जिन्होंने विराट कोहली के ऊपर इतना बड़ा कमेंट किया है, आखिर इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है, तो मैं बता दूं कि साइमन डल ने जितने भी मैचेस खेले हैं वो बॉलिंग करते थे और बॉलिंग में उनकी जो एवरेज रहा करती थी वो 40-41 की रहती थी। ये बैटिंग की नहीं है, बॉलिंग की है,
जो कि वन ऑफ द फर्स्ट बॉलिंग एवरेज होती है। इनसे अच्छी बॉलिंग एवरेज तो धोनी के अंडर सुरेश रैना, केदार यादव लोगों की हुआ करती थी। खैर जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का साइमन डल के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है, जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है, दो दो शब्दों का ज्ञान कमेंट में साइमन डल के लिए जरूर बरसाइएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना, मेरा प्रोमो कोड यूज करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, जो कि है Joshi25, जिससे तुम्हें 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा, खेलना स्टार्ट कर सकते हो भाई उससे। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से तुम्हारा भाई हेल्प कर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे याद से ज्वाइन कर लो, जहां पे मैच से पहले कह लो, मैच के दौरान कह लो, सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वहां से भी जाके अगर तुम यस या नो करते रहोगे तो मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।